अमृता जी के बारे में जितना पढ़ा जाए मेरे ख्याल से उतना कम है। मैंने इनके लिखे को जितनी बार पढ़ा है उतनी ही बार उनको नए अंदाज और नए तेवर में पाया है। उनके बारे में जहाँ भी लिखा गया मैंने वह तलाश करके पढ़ा है। एक बार किसी ने इमरोज से पूछा कि आप जानते हैं कि अमृता जी साहिर से दिली लगाव रखती हैं और फिर साजिद पर भी स्नेह रखती हैं, आपको कैसा लगता है? इस पर इमरोज जोर से हंसे और बोले कि एक बार अमृता ने मुझसे कहा था कि अगर वह साहिर को पा लेती तो मैं उसको नहीं मिलता, तो मैंने उसको जवाब दिया था कि तुम तो मुझे ज़रूर मिलती, चाहे मुझे तुम्हें साहिर के घर से निकाल के लाना पड़ता। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो रास्ते के मुश्किल को नहीं गिनते। मुझे मालूम था कि अमृता साहिर को कितना चाहती थी, लेकिन मुझे यह भी बाखूबी मालूम था कि मैं अमृता को कितना चाहता था। साहिर के साथ अमृता का रिश्ता मिथ्या व माया भी था, जबकि मेरे साथ उसका रिश्ता सच्चा और हकीकी था। वह अमृता को बेचैन छोड़ गया और मेरे साथ संतुष्ट रही। उन्होंने एक किस्से का बयान किया कि जब गुरुदत्त ने मुझे नौकरी के लिए मुंबई बुलाया था तो मैं अमृता को बताने आया। अमृता कुछ देर तक तो खामोश रही, फिर उसने मुझे एक कहानी सुनाई। यह कहानी दो दोस्तों की थी, इसमें से एक बहुत खूबसूरत था और दूसरा खास नहीं था। एक बहुत खूबसूरत लड़की खूबसूरत दोस्त की तरफ आकर्षित हो जाती है। वह लड़का अपने दोस्त की मदद से उस लड़की का दिल जीतने की कोशिश करता है। उस लड़के का दोस्त भी उस लड़की को बहुत प्यार करता था, पर अपनी सूरत की वजह से कभी उससे कुछ नहीं कह पाता। आखिरकार उस खूबसूरत लड़की और उस खूबसूरत लड़के की शादी हो जाती है। इतने में जंग छिड़ जाती है और दोनों दोस्त लड़ाई के मैदान में भेज दिए जाते हैं। लड़की का पति उसको नियमित रूप से खत लिखता है, लेकिन वह सारे खत अपने दोस्त से लिखवाता है। कुछ दिन बाद लड़ाई के मैदान में उसकी मौत हो जाती है और उसके दोस्त को जख्मी हालत में वापस लाया जाता है। लड़की अपने पति के दोस्त से मिलने जाती है और अपने पति के खत उसको दिखाती है और दोनों खतों को पढ़ने लगते हैं। तभी बिजली चली जाती है, पर उसके पति का दोस्त उन खतों को अंधेरे में भी पढ़ता रहता है, क्योंकि वो लिखे तो उसी ने थे और उसको जवानी याद थे। लड़की सब समझ जाती है, पर उस दोस्त की तबीयत भी बिगड़ जाती है और वह भी दम तोड़ देता है। लड़की कहती है कि मैंने एक आदमी से प्यार किया लेकिन उसको दो बार खो दिया। एक गहरी सांस लेकर इमरोज ने यही कहा कि अमृता ने सोचा था कि मुझे कहानी का मर्म समझ में नहीं आया, पर मैं समझ गया था कि वह कहना चाहती थी कि पहले साहिर मुझे छोड़ के चला गया और अब तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, और जो चले जाते हैं वह आसानी से वापस कहाँ आते हैं। जब इमरोज मुंबई पहुँचे तो तीसरे दिन ही अमृता को खत लिख दिया कि मैं वापस आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि अगर मैं वापस नहीं लौटा तो हमेशा के लिए अमृता को खो दूंगा। इमरोज ने बताया कि अमृता ने कभी भी अपने प्यार का खुले शब्दों में इजहार नहीं किया और ना मैंने उसको कभी कहा। अमृता जी ने अपनी एक कविता में लिखा था कि आज पवन मेरे शहर की बह रही, दिल की हर चिंगारी सुलगा रही है, तेरा शायर शायद छू के आई, होठों के हर सांस पर बेचैनी छाई है, मोहब्बत जिस राह से गुजर कर आई है उसी राह से शायद यह भी आई है। इमरोजी अपने घर की छत पर खड़े उस गाड़ी का इंतजार करते रहते थे जिसमें अमृता रेडियो स्टेशन से लौटती थी।
गाड़ी के गुजर जाने के बाद भी वह वहीं खड़े रहते थे और अवाक शून्य में देखते रहते थे। वे यहाँ इंतजार करते और वहाँ वह कविता में कुछ लिखती रहती।